बिजनौर में आज एक निजी कॉलेज में गुंडों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो जाने से कॉलेज के टीचर और प्रिंसिपल खौफ में हैं और आज कार्रवाई नहीं होने की वजह से कॉलेज को बंद कर दिया गया। कॉलेज प्रशासन की मांग है कि जब तक कॉलेज में गुंडागर्दी करने वाले गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी कॉलेज बंद रहेगा। पुलिस ने प्रिंसिपल की तहरीर पर कई गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे में गुंडों की गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें कैद हुई हैं। ये तस्वीरें हैं बिजनौर जिले के मंडावर थाना इलाके के आरपीएस कॉलेज की। कल स्कूल समय में बाहरी आधा दर्जन के करीब गुंडे बाइक से आते हैं और क्लासरूम में टीचर की मौजूदगी में एक छात्र को मारते हुए बाहर ले जाते हैं। टीचर ने गुंडागर्दी कर रहे छात्रों का विरोध किया तो गुंडों ने टीचर को भी मारा और तमंचा दिखाकर भयभीत भी कर दिया। इस बात से नाराज और खौफ के साए में कॉलेज के टीचरों ने आज कॉलेज बंद कर दिया। वहीं दिन दहाड़े हुई कॉलेज में गुंडागर्दी की वारदात से जिले की पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, तो पुलिस भी जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। नरोत्तम जी, यहाँ स्कूल आज बंद क्यों है, क्या घटना हुई यहाँ? कल मैं अपनी क्लास में क्लास ले रहा था, फर्स्ट ईयर क्लास में, 11th कॉमर्स में। अचानक एक दर्जन लोग आए और क्लास में बच्चों को मारा, पीटा, तमंचे और डंडों के साथ उन्होंने क्लास में एंट्री की। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे पे भी हाथापाई की। कौन लोग थे वो जो आए थे मारने के लिए? मैं वो बाहर के दौलतपुर के निवासी थे, बाद में जैसा कि पता लगा। क्या आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? मैं प्रिंसिपल मैम वहाँ मौजूद थी, प्रिंसिपल मैम ने मैनेजर सर को अवगत कराया, बाद में उन्होंने वो मैनेजर सर ने थाना मंडावर कोतवाली को इन्फॉर्म किया। अच्छा, कल का मामला है ये? यस सर। आज रिपोर्ट दर्ज हो गई है इसमें, तो क्या स्कूल कब तक बंद रहेगा ये? जब तक ये जो जिन्होंने ये इतना बड़ा मैटर किया है संस्था में आकर के, जब तक उनको पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी तो तब तक ये ऐसे ही चलेगा। मतलब पुलिस जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेगी आप स्कूल बंद रखेंगे? यस, ये पूरा स्टाफ यही चीज़ चाह रहा है। क्या चाह रहा है? कि जब तक उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी तो ऐसे ही होगा, आपातकालीन ऐसे ही चलेगा, स्कूल बंद रहेगा। एक मिनट, क्या नाम है मैडम आपका? सर, आरती चौहान। आरती जी, ये विद्यालय आज बंद क्यों है? हेलो सर, कल कुछ लोगों ने हमारे स्कूल में आके, बच्चों की क्लास में आके ऐसी वारदात की है जिसकी वजह से हमारी क्लास के बच्चे जो हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं और स्टाफ भी काफ़ी खौफ में है, जिस वजह से आज हम लोग आए तो हैं हम यहाँ पे, लेकिन हमारे सबके दिलों में ये खौफ है कि आज हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं तो हम भी सेफ नहीं हैं। जैसे कि मोस्टली हमारा स्टाफ बिजनौर से आता है, तो अगर बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है और टीचर के साथ हाथापाई हुई है हमारे टीचर्स ने जिन्होंने विरोध किया, तो उनके ऊपर भी उन्होंने डंडे उठाए और तमंचे भी थे साथ में सर। तो इसलिए जब जेंट्स लोगों के ऊपर ये किया है तो, और हम लेडीज़ को भी उन्होंने उल्टा सीधा बोला बहुत ज़्यादा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि उन सब दबंगों को अरेस्ट किया जाए, अदरवाइज ना तो हमारा स्टाफ टीचिंग करेगा और हम ना हमारे बच्चे आ पाएंगे। कॉलेज में कुछ गुंडों ने मारपीट की है, क्या पूरा मामला है? ये चंदर क्षेत्र में एक स्कूल है, आरपीएस पब्लिक स्कूल, जिसमें कल पहले कुछ बच्चे, दो बच्चों के बीच में मारपीट हुई। एक 11वीं के बच्चे ने एक नवी छात्रा, नवी कक्षा के छात्र को पीट दिया था, जिसकी प्रतिक्रिया में उसके नवी छात्रा के जो वालिद था उसके कुछ परिजन और लोगों ने स्कूल में उत्पात किया, जिसके क्रम में प्रधानाचार्य की तहरीर पर अपराध संख्या 426 पंजीकृत हुआ है, अंतर्गत धारा 452, 323, 504, 506 वैधानिक कार्रवाई जारी है, विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। कोई गिरफ्तारी हुई अभी नहीं? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।